नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 से 20 अक्टूबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। चौथी राशि लेते हैं, कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि, 17 अक्टूबर के दिन आप थोड़ी निराशा का अनुभव कर सकते हैं, जब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में वो चीजें अभी भी आपको नहीं मिली हैं जिसके आप हकदार थे। आपने जितना प्रयास किया, जितना मेहनत करी, उस मेहनत के बल पर आपको अभी भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है जितनी अब तक की मिल जानी चाहिए। आपका सोचना सही है, लेकिन यहाँ इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अभी तक आपने जो भी सफलताएं प्राप्त करी हैं वे भी अपने आप में कमतर नहीं हैं। काफ़ी अच्छी सफलताएं आपने अर्जित करी हैं, लेकिन आपको अपनी सफलताओं से मुंह मोड़ करके जिस सफलता को नहीं प्राप्त किया है उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने आप को शांत करें, बाहर की गतिविधियों से थोड़ा सा ब्रेक लें, 17 तारीख को अंदर जाएं, भीतर की ओर मुड़ें, तब आपको ईश्वर के संकेत समझ में आने शुरू होंगे और उसी समय आपको ज्ञात हो जाएगा कि आगे का प्लान क्या बनाना चाहिए। वैसे 17 अक्टूबर के दिन आपको परिवार व मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता रहेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपका व्यवहार मिलनसार रहेगा। 18 अक्टूबर के दिन आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जहां आपको ये ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है। आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अब आपके साथ क्या होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग या कहें कुछ लोगों ने आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है। आप उस षड्यंत्र में फंस भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। फंस उस समय सकते हैं जब आप उन पर अंधविश्वास कर लें। किसी पर भी इस दिन बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, खास तौर से उन लोगों पर जिनके बारे में आपको पहले से ही अंदाजा है कि इन पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो कोई मूव ना करें, किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ना लें, किसी प्रकार की चाल ना चलें, बचने का प्रयास भी ना करें, यथा स्थिति को बरकरार रहने दें और कुछ भी ना करें। आपका कुछ भी ना करना, कुछ भी ना कहना आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। 19 अक्टूबर के दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता प्राप्त होगी। वैसे इस दिन आप काफ़ी बुद्धिमानी का परिचय भी दे सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें और द्विपक्षीय मामलों में जहां जहां आपका कोर दब रहा है, जहां जहां आपको नुकसान की संभावना अधिक है, वहां वहां पर अपने प्रयासों को ढीला कर दें, टाल दें, चीज़ों को एक दिन के लिए आगे कर दें। और अगर चीज़ें एक दिन के लिए आगे नहीं हो सकती हैं, आपका साझेदार रुक नहीं रहा, तो उसे कहें कि आपके लिए वो निर्णय जो भी लेगा आप उसमें पूरी तरह से एग्री रहेंगे। आपका ये कहना उसके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर देगा जिससे आप अपनी समस्या से जरूर बच जाएंगे और वो आपको समझा नहीं पाएगा। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन में आपके इस दिन एक छोटा सा मनमुटाव आ सकता है, अदरवाइज ज़्यादा बड़ी समस्याएं इस दिन नहीं आ रही। 20 अक्टूबर के दिन आप अपने प्रेम प्रसंग के मामले में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी ये दिन परिपूर्णता लेकर के आया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कार्य के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला दिन है। इसलिए किसी प्रकार का ऐसा कार्य न करें जो आपकी प्रतिष्ठा में आँच लाए, गिराने का कार्य करें। इस दिन आप अच्छे इंसान बने रहेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा, लोग आपको पसंद करेंगे और आप उनसे लाभ उठा पाएंगे। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए सबसे अच्छे दिन 17 और 20 तारीख हैं। 18, 19 अच्छे नहीं हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी 18 और 19 थोड़ा कमजोर दिन हैं, 17 और 20 बढ़िया हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे बढ़िया दिन 17 तारीख है, 20 तारीख उसके बाद सामान्य है, 18 और 19 अच्छे नहीं हैं।